खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां गैंगरेप के आरोपियों से मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। गाड़ी रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को लगी पुलिस की गोली। पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए। बदमाशों ने 18 नवम्बर को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। लिफ्ट देकर महिला के साथ वारदात को दिया था अंजाम। महिला के साथ गैंगरेप के बाद फरार हो गए थे बदमाश। दो एनकाउंटर हमारे यहाँ आए हैं बीतक टू थाने से, जिनमें से एक का नाम मोंकी और दूसरे का नाम राजीव है। दोनों के बाएं पैर में फायर आर्म इंजरी है, जिनका दोनों का हमने प्राथमिक उपचार करके उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। विनायक हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। विनायक, मुठभेड़ में दोनों ही आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जी, आपको बता दो कि जो पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी, वहीं पर जब चेकिंग के दौरान उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, तो जो बीटा टू थाना क्षेत्र है वहां पर चेकिंग के दौरान जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तो कार से वो भागने में लगे हुए थे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। तो जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने गोली चलाई तो उनकी एक गोली गाड़ी पे लगी। उसके बाद जब वो पैदल भागने लगे तो पुलिस ने फायर किया, तो जो गोली थी वो उन दोनों के पैर पे लगी थी। उसके बाद में उनको तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और जब इनकी पूछताछ की गई इनसे, तो मालूम पड़ा कि परसों रात में जो महिला के साथ में एक्सप्रेसवे के पास में जो गैंगरेप की घटना सामने आई, तो उसमें ये दोनों फरार चल रहे थे। वहीं पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी इसमें पाई थी, और उसके बाद में इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और आगे इनके ऊपर जो पहले भी कई मुकदमे दर्ज है उनके खिलाफ जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।